नूआवर्ष पुरी रे भिड़ श्रीक्षेत्र धाम पुरी रे होई लोकारण्य परिवेश नूआवर्ष रे भक्तों श्रृंखलित दर्शन को गुरुत्व दि जाए होई स्वतंत्र व्यवस्था आजिठारु पुरी बड़दांडरे एसी सेड पाथवे रो ट्रायल रन आरंभ होईछि। केन्द्रांचल आईजी आशीष सिंह उपस्थित रे ए ट्रायल रन आरंभ होईछि। मरीचिकोट छक निकट रे निर्माण होइतबा ए एसी सेड पाथवे बा संपूर्ण शीतताप नियंत्रित सेड रे प्रवेश करि महाप्रभुंकर दर्शन पई भक्त माने जिबे। प्राय 2000 भक्त ए एसी सेड पाथवे रे विश्राम नै परिबे। एहार ओसार रहूछि 12 मीटर, लंब रहूछि 84 मीटर। श्रीमंदिर महाप्रभु नीतिकांति चलुवा समय एसी सेड पाथवे भितर भक्त मैंने विश्राम नहीं पारे और दर्शन व्यवस्था को भी श्रृंखलित कर जहाँ सूचना रही। आज पुरी बड़दांडे एसी सेड पाथवे रो ट्रायल रन आरंभ हो दृश्य देखिपे कि भाव में पाथवे रही जो भक्त मैंने दूरदूरा आसुच्चे खरार दीर्घ समय धरिकी लंबा लाइन में छेड़ा हुई से महाप्रभु को दर्शन करुले से निम्ते एभली गोटे व्यवस्था करयस्क नागरिक कथ कहतु छोट छोट पा कथ कहतु कि कौन सी रोग व्याधि पीड़ित व्यक्तिशेष जो मैंने आसुले से ये बेस सुगम हो पार प्रभु को दर्शन करने। आज आमर एवं जस्ट आम ट्रायल रन विद द वॉलंटियर मैन द वेल पुलिस फर्स्ट एसी सेट जो कि पाखापाखि 4,500-5,000 लोक को बसवाई व्यवस्था अच्छी ठिया रही व्यवस्था बसवाई व्यवस्था अच्छी एसी अच्छी दुईटा रो रे करलु वॉलंटियर लेके लोक मैंने एक्सपीरियंस बहुत भल अच्छी पीपल आर जो मैंने कर बहुत भल लगुच बिकज एट अलग एटमोसफियर एसी व्यवस्था बसवाई व्यवस्था और एटी बहुत सपोर्ट सिस्टम लाइक पानी देवाई मेडिकल सपोर्ट देवाई टॉयलेट क्या को लगे हमें ले जापरबू टॉयलेट कराइवाई तो ऑल द अरेंजमेंट जो हमें प्लेस करार अच्छी पब्लिक मैंने भक्त मैंने से ऑलरेडी हमें ट्रायल रन करछु। सेकंड हाफ रे हमें धीरे धीरे भक्त मान को आरंभ करवा हमार चेष्टा अच्छी कि नुआ वर्ष रे पब्लिक को नुआ अनुभूति महाप्रभु दर्शन करने टाइम देपे और मुझे भावी तापर जो सरकार जिते इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ताको बेस्ट भाव रे पुलिस केमती यूटिलाइज कर कि भक्त मान को मिनिमम हसल फेस करवा पड़ो और महाप्रभु मैंने आशीर्वाद पाइबे। ए बाबद अधिक आलोचना करने आम सहित पूरी ब्यूरो चीफ चित्तरंजन महांती जोड़ी होती आपण ठार् जानवाक चाहेबू पूरी बड़दांडे जो एसी सेड पाथवे रो ट्रायल रन करदी से ही स्थान अच्छा पूरा चित्र टी देखु जे पाथवे टी कि भाव में रही एसी व्यवस्था किभली भाव में कर गोटे साधारण जत्री टे खरार दीर्घ समय धरी लंबा लाइन में ड़ा हो कष्ट सहवा अपेक्षा एसी सेड पाथवे से सुगम महाप्रभु को दर्शन करपर कौन के व्यवस्था रही। देखो मनिका आम जो स्थान में ठिया होती से एसी टनेल आप देखिपे लंबा विस्तीर्ण जो टनेल दृश्य आप देखिपे ट्रायल रन सरला एवं ट्रायल रन रे भक्त माने या मध्य श्रीमंदिर आड़ को अग्रसर होती आप देखिपे या मध्य अच्छी 12 लाइन अच्छी 12 लाइन मध्य आपणकर लंबाई रही 84 मीटर एवं प्रशस्त आप देखिपे या मध्य 16 एसी लगी एसी टनेल बोली कहुच्छे जेहेतु शीतताप नियंत्रण मध्य भक्त श्रद्धा मैंने भितर अग्रसर हे निश्चित भाव में बहुत बड़ सहायक हो टनेल तार भितर गोटे कथा कहीपर जो भक्त माने लंबा धाड़ी रे 2-3 किलोमीटर पर्यंत खरा दिन मे मस डह डह ताती रे ठिया होते आज से कष्ट भोगिबा को पड़ो ना एवं से टनेल मध्य भीतर को प्रवेश करेंगे। आउ गोटे दृश्य देखेबी ए टनेल पूर्व मार्केट छक पर्यंत टेम्पोरारी टनेल अच्छी जहाँकि नुआ बर्षर भक्त भिड़ कम हाँपर ताक उठे दिजो किंतु ये रथयात्रा व्यतीत अन्य दिन मानक यार स्थायित्व रहिबो एवं रथयात्रा नवदिनात्मक यात्रा रे केवल एठारु टेंट उठिबो एवं से यात्रा स्थान में रथ गड़ तापर नवदिनात्मक यात्रा सरवापर पुनर्बार ये टेंट मध्य लागू होइजिबो। अन्य पार्श्वरे देखाइबी मु जो पार्श्वरे भक्त जिबे से रास्ता हेउची एठारु बाहरिला पोरे भक्त माने से माने एई भली भाव रे आपण देखिपारुथिबे ये हेउची श्रीमंदिर कार्यालय
ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ତାର ଯେଉଁ ତଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଭିତର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଚିତ୍ର ସହିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଯେଉଁ ମୋଡ଼ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଅତିକ୍ରମ କରି ୟାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହ, ଯେଉଁଠାରେ କି କ୍ୟାପାସିଟି ହେଉଛି 3500 ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ଅଟକି ପାରିବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ନୂତନ ରାସ୍ତା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀଦାଣ୍ଡ, ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହରେ ସେମାନେ ସଂଯୋଗ କରିବେ। ତ ସେଠାରେ ସଂଯୋଗ କରିବେ ସେଠାର ଭକ୍ତ, ଏପଟେ ଟନେଲ ଦେଇକି ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଟନେଲରେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଠାରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆସି ଏହି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହଠାରେ ଅଟକିବ, ସେହି ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଯାହା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ 17 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ର ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ, ତା ସହିତ ଓବିସିସିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଭକ୍ତଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଚାଲିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି, ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏସବୁ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।